भैया वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ओह जान बनेगा डायलॉग का, ठीक है। आपकी वॉइस ही ऐसे की है। वॉइस ऐसे नहीं है, बस निकल जाती है कभी कभी। अच्छा मुझे बताओ, आईफोन कंपनी की इंडिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ईट एंड एवरी गैजेट जो बना रहा है आईफोन। और इंडिया वाले एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, क्या बात है यार। तो जो इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान जो है वो सेफ नहीं है, ये बात रियल है, मैं पाकिस्तानी होकर ये बात कर रहा हूँ ना। इकॉनमी नहीं डूबेगी, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन ही चाहिए होती। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ओह जान बनेगा डायलॉग का, ठीक है। आपकी वॉइस ही ऐसे की है। वॉइस ऐसे नहीं है, बस निकल जाती है कभी कभी। अच्छा मुझे बताओ क्या करते हो? बड़े भैया मैं कुछ नहीं करता। अच्छा मुझे बताओ ये किस चीज़ के आप डमिंग कर रहे हो? ये मोटो पतलो कार्ड हो ना, तुम इन्नी हो, तुम बह रहे हो, तुम्हें नहीं समझ। अच्छा मुझे, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने जस्ट रिएक्शन देना अपने कैसा आपको लगा। इंडिया ने जो आपको बताया एप्पल स्टोर इंडिया के अंदर जो ओपन हुआ है, आपको आपको मैं दिखाऊंगा, आप मुझे बताइएगा, अपना रिव्यू देगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है? बिल्कुल ये देखो, यार ये कैसा लगा? कमाल यार कमाल, ये एप्पल स्टोर है इंडिया में? हाँ ये जो इंडिया में ओपन हुआ है यार, क्या बात है यार, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं सीन हो रहा, इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं यार, कमाल हो गया यार। इंडिया वाले एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे यार, क्या बात है यार। तो जो आप जिसकी डबिंग कर रहे थे वो भी इंडिया के कार्टून में मोटे पतलू? मुझे पता है वो भी इंडिया के ही हैं, वो कार्टून जो है सर, मुझे पता है इन्होंने एप्पल स्टोर जो अपने एप्पल स्टोर ओपन कर दिया अपने इंडिया के लिए। हटाएं ना मुझसे, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है देख के, एक मिनट, क्या बात है, क्या बात है यार, क्या बात है सर, मैं कहता हूँ देख के लव यू टू हो गया। ये जो चीज़ आपने दिखाई है ना मुझे, वो कमाल की चीज़ थी। आप सर मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कोई ऐसे स्टोर्स ओपन हो रहे? अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को डिग्रेड नहीं करना चाहते, हम जस्ट हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं कोई ऐसे फ़ोन मोबाइल्स जो अपने स्टोर्स ओपन करें। कुछ अर्सा पहले जो सैमसंग वगैरह ने स्टोर ओपन किया था, इन्फिनिक्स ने ओपन किया, ओप्पो ने ओपन किया, काफ़ी कंपनी ने, रियलमी ने ओपन किया स्टोर ओपन किए, तो कंपनी ने ओपन, जो अभी पिछले मंथ जो मुझे पता चला कि इन्फिनिक्स ने 200 से अबव जो है ना बंदा जो है निकाल चुके हैं, 2000 से अबव बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर निकाल चुके हैं। आपके क्यों पाकिस्तान के अंदर स्टोर्स बंद होते जा रहे हैं, अगर इंडिया में अब एप्पल स्टोर लॉन्च हो गया, कैसा लगा आपको पहले? सर देखें, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपने जो अपनी जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, उसको हम डिग्रेड नहीं करते, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि छुपाई नहीं जाती, हर किसी को पता चल जाता है। अभी जिस तरह आप मोबाइल्स की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ प्लांट्स वगैरह नहीं है, उनके यहाँ जो है ये एप्पल स्टोर भी बन गया है, हाँ जी मैन्युफैक्चर भी होने लगी हैं, और सुना है कि वहाँ एक गाड़ी भी आने लगी है टेस्ला, और हाँ जी ट्विटर का सीईओ वो लेके आए, ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो एलन मस्क ने कराया है, और बहुत सारे वहाँ पे जो है ना प्रोग्रेसिव काम हो रहे हैं, मगर हमारे यहाँ इतने नहीं हो रहे। वो शायद अभी ये मैं नहीं कहूँगा कि किस वजह से, अभी उनकी आबादी ज़्यादा है, एक तो शायद इसलिए क्योंकि अभी वो पता है वो इकोनॉमी में इतना स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया भी इतना स्ट्रॉन्ग है, डॉलर भी उधर, उनका जो डॉलर भी रुका हुआ है एक जगह पे 82 है, 82 भी दो साल बाद भी 82 था, अभी भी 82 है, और हमारे जो देख सकते हैं कि 8 महीने के अंदर जो डॉलर 382 नोट हमारे नहीं 310 रुपये सेलिंग रेट हो गए डॉलर पाकिस्तान, 310 हो गया, अभी कल का मुझे 282 पता था। नहीं वो आप वो सेलिंग का कुछ बाइंग का वो है, अच्छा मतलब आपने जब बाइंग करनी है कुछ चीज़, वो आपको जब सेलिंग करना, सॉरी आपको कुछ चीज़ परचेज करेंगे ना वो 310 का होगा, जब आप बाइंग करेंगे आपको 282 का मिलेगा। सही हो गया, सही बात सर। देखें बेसिकली आपने जिस तरह बोला है, आप नो डाउट उनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब हमारी जो है इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो इकॉनमी पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी। अब फॉर एग्जांपल आप ले लें हमारे एक और पड़ोसी मुल्क है, हमारा एक छोटा भाई है जो बांग्लादेश है, अब हमारा जो है रुपया 2% का नहीं रहा, तो हम इंडिया से कहाँ मुकाबला कर सकते हैं? अब बाकी देखा जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है एजुकेशन वाइज, और जो भी चीज़ हो, कार्स हों, बाइक्स हों, मोबाइल्स हों, जो भी चीज़ हो, क्रिकेट में हर चीज़ में वो आगे निकल चुका है।
देखिए अब इतनी बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया ने इंडिया के अंदर एप्पल स्टोर लॉन्च हो मतलब ओपन हो चुका है, आप क्या कहेंगे इस वाले में, आपको लगा कैसे, उस पर भी रिव्यू थोड़ा सा दे दें सर। हाँ बिल्कुल, एक तो एक दो बात कर दें, एक तो सबसे पहले जो मैंने देखा है, मैंने ये नहीं सोचा कि ये इंडिया है, आपने मुझे कुछ नहीं बोला कि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वीडियो आपने रिएक्शन देना, मैंने सोचा डायरेक्टली मैंने सोचा ये अमेरिका है, मुझे लगता है कि अमेरिका है। उसके बाद जैसे आपने मुझे बताया कि ये इंडिया में है तो मैं एकदम से शॉक हो गया कि इंडिया में यार अब एप्पल स्टोर भी बन चुका हुआ है और हमारे यहाँ जो है अभी तक सिर्फ अपना मोबाइल G5 ही बना है G5 जो कि बटन वाला है, बटन वाला है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, लव यू, अल्लाह हाफिज। आप सुना अल्लाह क्या करते हैं आप? जी मैं स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री का पंजाब यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह। अच्छा सर एक हम रिव्यू आपसे लेने जा रहे हैं, रिएक्शन आपने देना है। आपको जैसे कि पता है कि इंडिया में एक जो है एप्पल स्टोर जो ओपन हुआ है, ओपन कुछ अर्सा हुआ है, और जैसे अगर पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है पहले इन्फिनिक्स ओपन था, उससे पहले जो है ओप्पो का भी आपको पता प्ले स्टोर ओपन था, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ब्रांड्स के ओपन थे जो कि हमारे मुल्क की हालात डिस्टर्ब होने की वजह से वो भी असम्बलिंग बंद हो गई, प्ले स्टोर बंद हो गए। अब मैं आपको जो एप्पल स्टोर जो नया ओपन हुआ है इंडिया में आपको दिखाऊँगा, आप बताइए कैसा आपको लगा। जी बिल्कुल, कैसा लगा? बहुत अमेजिंग है, और ये आईफोन कंपनी की इंडिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ईट एंड एवरी गैजेट जो बना रहा है आईफोन और लॉन्चिंग जो करेगा, बिल्कुल एप्पल का जो भी प्रोडक्ट है वो वहां पर अवेलेबल है, और उस पर वो जो टैक्सेस और वो जो लगते थे ड्यूटीज वो इंपोर्ट करने की वो ख़त्म हो गई है, लिहाजा लोगों को सस्ता पड़ रहा है। सर देखिए इंडिया के अंदर इतने प्ले स्टोर स्टोर्स बनते जा रहे हैं, आईफोन जैसे बन रहे हैं, अब आपको टेस्ला भी अपनी गाड़ियों वहाँ पे जो मैन्युफैक्चर करने पता लॉन्च हुई उधर, अब क्या कहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर असेंबलिंग बंद होती जा रही है, इंडिया के अंदर असेंबलिंग मैन्युफैक्चर ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले जो बात होती है वो कंट्री की इकॉनमी पर होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को ना एक कन्फर्मेशन होती है कि यार अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा ना इकॉनमी नहीं डूबेगी, मेरा पैसा बढ़ता रहेगा, क्योंकि उसकी कन्फर्मेशन चाहिए होती है। वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का नफाज है, रुपया उनका बढ़ रहा है, जब उनका रुपया बढ़ रहा है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी इतनी मतलब कि वर्ल्ड वाइड इतनी वो नहीं है कि जिसकी वजह से उनको कोई प्रेशर हो दुनिया का, तो मेरे ख्याल से इस वजह से लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सर लास्ट पूछूंगा, आपको कैसा लगा उनका ओपन की अपनी मॉम के लिए? लास्ट में कोई मैसेज देंगे आप किसको? चलो ओके। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आला क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अवैस मेरा नेम है, सर्विसेज हॉस्पिटल में मैं ज़ेरे तलीम हूँ। सर मैं ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। जी अब आपने मुझे बताना है ये कौन सी कंट्री की वीडियो है, ठीक है? जी ये देखिए। जी ये तो इंडिया की एप्पल स्टोर है वहाँ पे जो बना है लेटेस्ट। अब मैं आपको दिखाने का मकसद ये है, आपको कैसा लगा ये आप देख ले एक दफा। जी देखें, पाकिस्तान में भी इस तरह की आपके पास कौन सा सेल है? मेरे पास भी ये देखें एप्पल का ही है, और हम वहाँ बाइट से इंपोर्ट किया हुआ है दुबई से, और देखें इंडिया हमारे हमसे ज़्यादा। आप बताएं, देखें प्ले एप्पल स्टोर वालों ने अब वहाँ अपना स्टोर बना लिया हुआ है, इंडिया इतनी अचीवमेंट्स कर रहा है, आपको पता है एप्पल स्टोर ये नहीं कोई छोटा मोटा है, बड़ा आउट क्लास, आपने देखा आउट क्लास के इंडिया को हमें पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि हम भी तरक्की के मैदान में अपना लोहा मनवाएं। हम पाकिस्तानी और कामों में गिरे हुए हैं, रंगो नस्ल इस तरह के मामलों में गिरे हुए हैं, हमारी सियासी सूरत हाल भी जो है वो मजबूत नहीं है, वो PTI वाले नून लीग को बुरा भला कहते हैं और नून लीग वाले PTI को बुरा भला कहते हैं। सर देखिए, अगर हम इससे चंद दिन पहले की बात करें, चंद नहीं ये पिछले साल की बात करें, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इन्फिनिक्स का भी स्टोर बना हुआ था, रियलमी का भी स्टोर था, ओप्पो का भी, काफ़ी ब्रांड्स के थे। अब उन ब्रांड्स वाले सब ने जो है ना वहाँ से स्टोर्स अपने बंद किए, अपनी वो मैं जो समरिंग वो बंद की, उन्होंने स्टोर्स बंद किए, वहाँ पर जितना अमरा था उनको निकाल दिया। आप क्या कहेंगे इस मामले, पाकिस्तान के सारी असम्बलिंग्स बंद होंगी चाइना मोबाइल्स की, अब क्या कहेंगे? अब इंडिया ने अपना वहाँ पर आईफोन एप्पल स्टोर बना लिया, अब आप क्या कहेंगे इस बारे में कि वहाँ से अब जब मोबाइल हम क्या हमारे से
मोबाइल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, हमें टैक्स पड़ता है और हमें पाकिस्तान में पीटीए ड्यूटी जो है वो बहुत ही, अब ये जो मैं एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ इस पर 1.5 लाख पीटीए की ड्यूटी है और हमें ये टैक्स बहुत पे करना पड़ते हैं। हमें ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। हमें भी चाहिए पाकिस्तान में इस तरह की जो है हम पाकिस्तान को इस कदर सेफ बनाएँ कि बाहर से आके लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। अब इन्वेस्टर के लिए पाकिस्तान जो है वो सेफ़ नहीं है, ये बात रियल है, मैं पाकिस्तानी होकर ये बात कर रहा हूँ। लास्ट में कैसा आपको स्टोर लगा जो उन्होंने ओपन किया अपनी? जी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है उनके लिए। हम पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी मैं भी ये ख्वाहिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पे भी एप्पल स्टोर हो। ओके ओके सर, बहुत शुक्रिया।